हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग नेम स्पेस के बारे में जानने वाले हैं कि नेम स्पेस होता क्या है, इसका यूज केस क्या है नेम स्पेस का, और इसको हम लोग पूरा प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे इस वीडियो में कि नेम स्पेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग एक बात जानते हैं, एक पार्टिकुलर टीम में या एक पार्टिकुलर कंपनी में मल्टीपल नंबर ऑफ टीम काम करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टीम काम करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वायरमेंट भी वहां पे होता है। फॉर एग्जांपल डेव इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट। तो मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वायरमेंट भी होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ टीम भी काम करते हैं। अब ये जो मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वायरमेंट है, इसको बेसिकली हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्शन है और ये आपका अभी टेस्ट है। इस प्रोडक्शन में अभी कोई एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है, और ये एप्लीकेशन रन कहाँ करता है, कोई सर्वर पे, मतलब पॉड, पॉड पे, ऐसा समझिए पॉड पे ये रन करता है। पॉड मतलब कंटेनर ही होता है। ये सब हम लोग पूरा जान चुके हैं सबके बारे में पिछले वीडियो में। ठीक है, तो मान लीजिए अभी आपका प्रोडक्शन पे कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, और ये टेस्ट पे अभी आप कोई एप्लीकेशन में कोई नया फीचर ऐड करने वाले हैं, उसी पे अभी आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन अभी पार्टिकुलर एनवायरमेंट पे है, ये दोनों आइसोलेट कैसे होगा, ये आइसोलेट कब होगा, ये इसको ऐसा बोलिए, ये आइसोलेट कैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब ये इस प्रोडक्शन का अपना पॉड हो, अपना डिप्लॉयमेंट हो, ठीक है, अपना पॉड हो, अपना डिप्लॉयमेंट हो, मतलब इसका अपना सब कुछ अपना हो इस प्रोडक्शन का, उसी तरह इस टेस्ट का भी अपना अपना पॉड हो, अपना डिप्लॉयमेंट हो, कि ये दोनों अपने आपस में अलग अलग एनवायरमेंट है। तो इसको आप लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा समझिए, नेम स्पेस को मैं अगर समझाऊं तो ऐसा समझिए, एक सिंगल क्लस्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूं, आप अलग अलग स्पेस बना सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह बना सकते हैं स्पेस, और उस स्पेस को आप पार्टिकुलर यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा एक पूरा क्लस्टर है। ठीक है, ये पूरा एक बड़ा सा क्लस्टर है। अब इस क्लस्टर में आपने क्या किया, दो स्पेस बना लिया, इस स्पेस का नाम दे दिया, मतलब स्पेस खाने का मतलब दो नेम स्पेस बना लिया आपने, एनएस ये नेम स्पेस वन और ये नेम स्पेस टू, आपने दो नेम स्पेस बना लिया, और इस नेम स्पेस का आपने नाम दे दिया पॉड, और इस नेम स्पेस का आपने नाम दे दिया डेव। मतलब दो, ऐसा समझिए दो अलग अलग नेम स्पेस यहाँ बन गया है। अब देखिए, नेम स्पेस का सबसे अच्छा खासियत क्या है, जब आप नेम स्पेस क्रिएट करते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कोई पॉड लॉन्च करते हैं, या कोई डिप्लॉयमेंट लॉन्च करते हैं, या कोई सीक्रेट लॉन्च करते हैं, या इसी तरह कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ रिसोर्स आप लॉन्च करते हैं, तो इसको आप पार्टिकुलर नेम स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। पार्टिकुलर नेम स्पेस मतलब क्या हुआ, इस जगह में लॉन्च कर सकते हैं आप इसको। तो इस जगह में लॉन्च होने का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो उस जगह में वही यूजर लॉन्च कर सकेगा जिसके पास एक्सेस होगा, क्योंकि नेम स्पेस में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। ये सब एक्सेस कैसे देते हैं, रोल बैक, एक्सेस कंट्रोल, क्लस्टर रोल, ये सब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को डिटेल्ड में बताऊंगा। फिलहाल आप नेम स्पेस के बारे में अपना क्लियर फंडा रख लीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे आने वाले वीडियो में ये सब पूरा डिटेल्ड में जानने वाले हैं, रोल बैक क्लस्टर, रोल बैक आरबीएसी के बारे में, क्लस्टर रोल के बारे में, सबके बारे में डिटेल्ड में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉड डिप्लॉयमेंट, ये सीक्रेट, ये सब वही लॉन्च कर सकेगा इस नेम स्पेस में इसके पास एक्सेस होगा। ये प्रॉड नेम स्पेस है, क्या है ये प्रॉड नेम स्पेस, क्योंकि आपने इसका नाम दिया है प्रॉड, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम में कुछ रखा नहीं है, सब प्रॉड बोलता है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या किए, प्रॉड रख दिए। इस प्रॉड में आप पार्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर को एक्सेस दे सकते हैं जिसके पास प्रॉड एक्सेस है। आप कंपनी सब में अगर आप जानते होंगे तो वहां पे देखिए पार्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर के पास ही क्या होता है, प्रॉड एक्सेस होता है, मतलब उस पार्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर के पास ही उस नेम स्पेस का एक्सेस है, उस पार्टिकुलर स्पेस का एक्सेस है। ठीक है, मतलब ये दोनों पूरा आइसोलेट इन्वायरमेंट है। या नेम स्पेस को मैं ऐसे भी एक सिंपल लाइन में समझा दूं, तो एक पार्टिकुलर क्लस्टर के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना सकते हैं। ठीक है, हर डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना सकते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट का मतलब, उस इन्वायरमेंट का मतलब, यहाँ मैं इन्वायरमेंट को किससे रिलेट कर रहा हूँ, नेम स्पेस से। यहाँ इन्वायरमेंट बन रहा है, जैसे ये प्रॉड इन्वायरमेंट बन गया, तो ये मेरा एक नेम स्पेस है। उसी तरह डेव इन्वायरमेंट बन गया, तो ये मेरा दूसरा नेम स्पेस है। तो डेव में बहुत यूजर के पास एक्सेस होता है, हर एक डेवलपर के पास एक्सेस होता है, उसी प्रकार टेस्ट इन्वायरमेंट में हर एक टेस्टर के पास एक्सेस होता है। तो उसी तरह जो पॉड है, ये पॉड है, ये डिप्लॉयमेंट है, ये जो डेव इन्वायरमेंट आप ये लॉन्च कर दिए,
इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर नंबर ऑफ एनवायरमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ बेसिकली कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सिंपल सा चीज है। आप डिफरेंट डिफरेंट आइसो नेम स्पेस बना लीजिए, उस एक नेम स्पेस का नाम प्रॉड दे दीजिए, तो वो एक प्रॉड एनवायरमेंट हो गया। अब उसके अंदर उसका अपना एक अलग दुनिया है, उसके अंदर अपना उसका अपना सारा रिसोर्स है। हाँ, पर कुछ ऐसा रिसोर्स है जो कि सारे नेम स्पेस के लिए कॉमन होगा। क्या होगा सब हम लोग, अभी मैं आप लोग को एक कमांड बताऊंगा, उस कमांड में मैं आप देख लीजिएगा कि उसमें हम लोग पता कर सकेंगे कौन कौन से रिसोर्स हर एक नेम स्पेस के लिए अलग है, कौन कौन से मतलब रिसोर्सेज क्यूबरनेटिस के हर एक नेम स्पेस के लिए सेम है। कुछ रिसोर्स के बारे में बताऊं, जैसे कि नोड हो गया, नोड पीवी हो गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो इसी तरह कुछ रिसोर्स है जो हर एक रिसोर्स मतलब हर एक नेम स्पेस के लिए कॉमन है, ठीक है, यही एक नेम स्पेस है। उसी तरह बहुत नंबर ऑफ टीम होते हैं, तो ऐसा कोई भी यूज ऐसा अपना भी सिनेरियो हो सकता है कि आप मान लीजिए आपका टीम वन है, इसको आप अपना अलग दुनिया देना चाहते हैं, इसका अपना अलग नेम स्पेस हो गया। उसी तरह ये टीम टू है, इसका एक अलग नेम स्पेस हो गया। इसी तरह आप हर एक टीम को भी अपना नेम स्पेस दे सकते हैं। ये भी ये जो नेम स्पेस मान लीजिए आप टीम वन के लिए बनाया है, इसमें सिर्फ टीम वन के मेंबर का एक्सेस होगा। ये जो नेम स्पेस टू है, ये टीम टू मेंबर के लिए एक्सेस होगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, यही है नेम स्पेस। चलिए मैं आप लोग को आप कमांड बताता हूँ। तो एक कमांड है, बहुत ही अच्छा कमांड है, इसके मदद से आप पता कर सकते हैं कौन कौन से रिसोर्स नेम स्पेस के लिए अलग अलग होंगे और कौन कौन से रिसोर्स हर एक नेम स्पेस के लिए सेम होंगे, ठीक है। तो एक कमांड है kubectl api resources माइनस माइनस नेम स्पेस इक्वल टू ट्रू। ट्रू में वो रिसोर्स का नाम आएगा जो कि यहाँ पे देखिए बाइंडिंग कॉन्फिग मैप एंड पॉइंट इवन लिमिट रेंज परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पॉड टेम्पलेट सीक्रेट्स, फिर यहाँ पे सर्विसेज अकाउंट रेप्लिका सेट स्टेटफुल, ये सब जो रिसोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है, आपके नेम स्पेस के लिए अलग अलग होंगे, हर एक नेम स्पेस के लिए अलग अलग होंगे। वहीं अगर आप इसको इक्वल टू फॉल्स कर दीजिएगा तो यहाँ पे वो रिसोर्स का लिस्टिंग होगा जो कि हर एक रिसोर्स के लिए सेम होंगे। जैसे कि नेम स्पेस, सबसे पहले तो नेम स्पेस ही आ गया, इससे हमको मतलब नहीं है। नोड 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 यहाँ पे नोड का मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। नोड का आप जैसा ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक नोड है, तो उस नोड पे नेम स्पेस वन का भी पॉड लॉन्च हो सकता है, नेम स्पेस टू का भी पॉड लॉन्च हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेम स्पेस जो है ये कॉमन है। उसी तरह पीवी, आपका पीवी भी एक कॉमन रिसोर्स हो गया। जैसे कि आपका कोई परसिस्टेंट वॉल्यूम, आप कोई वॉल्यूम बनाया, तो वो वॉल्यूम को मतलब नेम स्पेस वन के पॉड भी यूज कर सकता है, नेम स्पेस टू का पॉड भी यूज कर सकता है। उसी तरह क्लस्टर रोल, क्लस्टर बाइंडिंग। अब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे पार्टिकुलर नेम स्पेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किस तरह पार्टिकुलर यूजर को ही सिर्फ एक्सेस दे सकते हैं आप लोग। जब मैं आर रोल बैक बताऊंगा, आरबीएससी, सब ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्लस्टर रोल बताऊंगा, ये सब चीज आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे रिसोर्स हो गए जो कि नेम स्पेस के लिए कॉमन होंगे, ठीक है, हर एक नेम स्पेस के लिए कॉमन होंगे। और बाय डिफॉल्ट जो नेम स्पेस है वो डिफॉल्ट रहता है। अभी तक आप जितना भी पॉड लॉन्च किए होंगे, सारा पॉड किस रिसोर्स में लॉन्च होता था, बाय डिफॉल्ट पॉड, जो कि आपका क्या था, ये कॉमन, जो कॉमन पॉड था डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पॉड। आप लोग देख भी सकते हैं kubectl get नेम स्पेस, तो ये देखिए इस पॉड में अभी तक जितना भी आपका जितना भी रिसोर्स आप लॉन्च किए क्रिएट किए, जैसे कि सीक्रेट क्रिएट किए या आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट किए, सारा कुछ रिसोर्स आपका जो नेम स्पेस में लॉन्च हुआ है, तो आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस में लॉन्च हुआ है। और ये सब जो क्यूब सिस्टम हो गया, ये सब जो है, ये बेसिकली ये सब क्यूब सिस्टम हो गया, ये जो क्यूबरनेटिस अपना इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए लॉन्च करता है। जैसे कि अभी हम लोग, जब मैं क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर बता रहा था, तो आपको बताया था मल्टीपल नंबर ऑफ पॉड क्यूबरनेटिस भी लॉन्च करता है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को दिखाऊं kubectl get pod, अगर मैं सिर्फ kubectl get pod करता हूं, तो ये पॉड लिस्टिंग होगा जो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस है, डिफॉल्ट नेम स्पेस का सारा पॉड लिस्ट होगा। पर उसी तरह उसी प्रकार से अगर आप यहां पे लिख दीजिएगा नेम स्पेस इज इक्वल्स टू क्यूब सिस्टम, तो इस बार जो पॉड लॉन्च होगा आपका, वो पॉड किसका लॉन्च होगा, जो कि जो पॉड क्यूब सिस्टम में होगा, जो क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में जो पॉड होगा, वो पॉड आपका अभी लॉन्च होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये सब देखिए, कोड DNS etcd क्यूब API सर्वर क्यूब कंट्रोलर प्रॉक्सी शेड्यूलर स्टोरेज प्रोविजनर, तो ये सब चीज मैंने आप बताया था, ये सब चीज कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है, ये सब मैंने बताया था Kubernetes आर्किटेक्चर में। तो ये सब जो पॉड लॉन्च करता है Kubernetes, अपना
अपना जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड उसने एक नेम स्पेस बनाया है क्यूब सिस्टम, उसी के अंदर ये सारा कुछ अपना सारा पॉड लॉन्च करता है। उसी तरह अलग अलग नेम स्पेस क्यूबरनेटिस में और बनाया दो ठो, क्यूब पब्लिक हो गया, क्यूब नोड लीज हो गया, ये भी अपना इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्यूबरनेटिस यूज करता है। तो यहाँ पे आप भी अपना पॉड बना सकते हैं, मतलब अपना नेम स्पेस बना सकते हैं और उस नेम स्पेस में आप क्या कर सकते हैं, पॉड को लॉन्च कर सकते हैं पर्टिकुलर नेम स्पेस में, ठीक है। अगर आप कोई नेम स्पेस मेंशन नहीं कीजिएगा तो वो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस में लॉन्च होगा, सॉरी बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस में लॉन्च होगा जो कि क्यूबरनेटिस ने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, ठीक है। अभी तक सारा इसमें क्रिएट किया था, जैसे कि मैं दिखाता हूं अभी तक कोई पॉड मेरा रन कर रहा है कि नहीं, क्यूबसिटीएल गेट पॉड। तो ये देखिए जब मैं स्टोरेज क्लास बता रहा था तब ये पॉड के बारे में आप लोग को बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉड मेरा लॉन्च कर रहा है अभी, एक पॉड में मतलब रन कर रहा है। तो ये जो रन कर रहा है वो किस में रन कर रहा है, डिफॉल्ट नेम स्पेस में। अभी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, जितना भी मेरा रन कर रहा है मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये मत समझिएगा जो पॉड डिफॉल्ट नेम स्पेस रन कर रहा है, आप कोई नया नेम स्पेस रन क्रिएट कीजिएगा तो उसमें ये पॉड डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें ये पॉड डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये सारा पॉड आइसोलेट है किसके, ये पॉड सिर्फ आपको डिफॉल्ट नेम स्पेस में ही मिलेगा। और आप जो भी उसके बाद आप नया पॉड लॉन्च कीजिएगा तो आप अगर नेम स्पेस का नाम मेंशन करिएगा तो वो पॉड उस नेम स्पेस में लॉन्च होगा, अगर उसमें नाम मेंशन नहीं कीजिएगा तो वो आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो रहा है, तब मैं नेम स्पेस क्रिएट करना बताऊंगा। तो मैं एक बार ब्रीफ साइड फिर से बता दूं नेम स्पेस के लिए बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा समझिए नेम स्पेस एक पार्टिकुलर क्लस्टर पे, एक मतलब सिंगल क्लस्टर पे आपको अलग अलग आइसोलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, अलग अलग आइसोलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। जैसे कि एक इन्वायरमेंट हो गया आपका प्रॉड इन्वायरमेंट, एक हो गया डेव इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, और आपके मुताबिक जितना भी आप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आइसोलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस एक सिंगल क्लस्टर में, याद रखिएगा सिंगल क्लस्टर यानी कि मल्टीपल क्लस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल क्लस्टर का बात कर रहा हूँ। तो सिंगल क्लस्टर में जितना भी नंबर ऑफ आइसोलेट इन्वायरमेंट आप क्रिएट करना चाहिएगा क्रिएट कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है आप हर एक टीम में, आप हर एक टीम को अलग अलग अपना देना चाहते होंगे अपना नेम स्पेस, आप हर एक जगह देना चाहते होंगे कि वो टीम अपना क्या करे उसी नेम स्पेस में अपना काम परफॉर्म करे, और जो कि कॉमन नेम कॉमन रिसोर्सेज है जो कि सारे नेम स्पेस के लिए कॉमन है उसको यूज कर सकता है, जैसे कि पीबी हो गया आपका, नोड हो गया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये सब नेम स्पेस के कुछ आपके यूज केस है, ठीक है। एनवायरनमेंट को आइसोलेट करने के लिए आप सिंगल टीम को अपना अलग अलग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, मतलब अलग अलग रूम देना चाहते हैं, अलग अलग स्पेस देना चाहते हैं काम करने के लिए, तब भी आप नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। और उस नेम स्पेस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप मात्र 5 लोग को ही एक्सेस देना चाहते हैं, ए बी सी डी ई, उसके अलावा और कोई भी उस नेम स्पेस को एक्सेस ना कर सके। ये सब भी होता है, ये सब भी रोल बैक आरबीएसी सब की मदद से होता है। यहाँ पे हम लोग हर एक रिसोर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा यूज केस है, बहुत ही सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ होगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो ये मेरा फिलहाल क्लियर हो चुका है, नेम स्पेस क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यूबसिटीएल क्रिएट। आप अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप हेल्प भी ले सकते हैं, तो हेल्प लीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आप नेम स्पेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ, क्यूबसिटीएल क्रिएट नेम स्पेस। मैं आप लोग को इसीलिए माइनस हेल्प कमांड बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कोई कमांड अगर याद नहीं है आप लोग को तो इसकी मदद से भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं माइनस हेल्प कमांड की वजह से। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं सीधा नाम दे सकता हूँ, जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि दे देता हूँ नेम स्पेस वन, तो आपका नेम स्पेस वन क्रिएट हो गया। क्यूबसिटीएल गेट एनएस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक नया नेम स्पेस क्रिएट हुआ है NS1, ठीक है। अब आप मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पॉड लॉन्च करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेरा ये है यहाँ पे pod.yml, मैं इसकी मदद से ही पॉड लॉन्च करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मैं इस YML फाइल को ओपन करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा आप लोग को। ये YML फाइल में आप यहाँ पे नेम स्पेस का मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे नाम, इमेज और इन्वायरमेंट मेंशन किया है, ये सब सीक्रेट रेप सब मैंने बता चुका हूँ आप लोग को डिटेल में, तो मैं फिलहाल अभी सबको हटा देता हूँ, या मैं करता हूँ, मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं एक नया ही क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसीलिए नया क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बाद में मैं आप लोग को नोटपैड ये फाइल जो है प्रोवाइड कर सकूँ गिटहब पे, तो आप सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
एक मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ, पॉड एनएस डॉट वाई एम एल। और एक काम और करता हूं, ये वाला को ओपन करता हूं और इससे ही कॉपी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला से ही पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए सी, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर से मैं ये इन्वायरमेंट हटा देता हूँ, ये सब चीज हम लोग डिटेल में जान चुके हैं सब कैसे यूज करते हैं। और यहाँ पे आप नाम और इमेज के अलावा नेम स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं कि हमको ये जो पॉड लॉन्च होगा कि हमको वही नेम स्पेस चाहिए जो जो नेम स्पेस आप यहाँ पे लॉन्च कीजिएगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव करके आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ये सेव होगी, सॉरी सेव नहीं हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं। और मैं अभी इसको बिना नेम स्पेस के लिए, बिना नेम स्पेस दिए अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, kubectl apply माइनस एफ पॉड अंडरस्कोर एनएस डॉट वाई एम एल, अगर मैं इसको बिना नेम स्पेस दिए लॉन्च करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा kubectl get pod माइनस माइनस एनएस इज इक्वल टू डिफॉल्ट। आप डिफॉल्ट लिखिए ना लिखिए, वो डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट में ही आएगा, एनएस नहीं होगा, नेम स्पेस होगा, डिफॉल्ट का ही लॉन्च करता है। तो देखिए आप अगर नेम स्पेस मेंशन नहीं किए तो वो लॉन्च किस में हुआ है, आपका डिफॉल्ट में, ना कि एनएस वन में जो आपने अभी क्रिएट किया है। एनएस वन में वो लॉन्च नहीं हुआ है, देखिए नो रिसोर्स फाउंड इन एनएस वन, कोई रिसोर्स नहीं है यहाँ पे। तो अब नेम स्पेस नाम मेंशन करके कैसे इसको पर्टिकुलर नेम स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं वो चलिए मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस आना है मेटा डेटा में, ये मैं डबल कोट हटा देता हूँ, आपको आना है मेटा डेटा में और नाम के नीचे या नाम के ऊपर कहीं भी आप यहाँ पे आप नेम स्पेस मेंशन कर सकते हैं, नेम स्पेस, नेम स्पेस जो भी नाम, नेम स्पेस आप लॉन्च करना चाहते हैं वो नेम स्पेस यहाँ पे दे दीजिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं नाम भी बदल लेता हूँ इसका, यहाँ लिख देता हूँ नेम स्पेस पॉड, ठीक, एनएस पॉड, तो इसका नाम भी बदल लिया। अब ये जो पॉड लॉन्च होगा वो देखिए किसमें लॉन्च होता है, मैं फिर से इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, पॉड क्रिएट हुआ। इस बार देखते हैं ये किस नेम स्पेस में ये क्रिएट हुआ है पॉड। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट में आता हूँ, डिफॉल्ट में देखिए ये नेम इस बार पॉड ये क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, पॉड क्रिएट नहीं हुआ है। ये पॉड किस में क्रिएट हुआ होगा, एनएस वन में, देखिए एनएस वन में एनएस पॉड क्रिएट हुआ। इसी तरह आप पॉड मतलब नाम नेम स्पेस यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जो पॉड लॉन्च हो किस नेम स्पेस में लॉन्च हो, आप ये मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से आप नेम स्पेस को डिलीट भी कर सकते हैं, मैं डिलीट करके भी दिखा देता हूं, बहुत ही सिंपल है, kubectl डिलीट एनएस जो भी नाम है आपका एनएस वन नाम दे दीजिए। आपने ये पॉड डिलीट कर दिया, ये नेम स्पेस डिलीट किया। अब देखिए जब ये नेम स्पेस डिलीट होगा तो आप लोग के दिमाग में सवाल आना चाहिए, आता भी होगा बहुत लोग के, कि अगर नेम स्पेस डिलीट हो गया तो इसके अंदर का रिसोर्सेस का क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूं आप लोग को, इसके अंदर का सारा रिसोर्सेज भी सपाट हो चुका होगा, मतलब क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे घर ही तोड़ दीजिएगा तो फिर रहेगा कहाँ पे। kubectl get pod कीजिए तो ये जो पॉड आ रहा है वो पॉड किसका आ रहा है, आपका जो कि डिफॉल्ट नेम स्पेस पे आपने लॉन्च किया था, ठीक है, अब वो पॉड नहीं आएगा। देखिए kubectl माइनस माइनस, मैं यहाँ पे नेम स्पेस, या यहाँ पे नेम स्पेस आएगा ही नहीं, मैं यहाँ पे kubectl get नेम स्पेस कर देता हूँ, आप लोग को नेम स्पेस दिखा देता हूँ। तो देखिए एनएस वन डिलीट हो गया, तो एनएस वन डिलीट हुआ तो उसके अंदर का सारा रिसोर्सेज भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही है पूरा नेम स्पेस। जब आप लोग को, मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा नेम स्पेस के बारे में कि नेम स्पेस का यूज केस क्या है, नेम स्पेस होता क्या है और नेम स्पेस को हम लोग कैसे क्रिएट करके कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पॉड पॉड क्रिएशन में, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट हो नेम स्पेस के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम tech_hkm में मुझे मैसेज भी कीजिए, मैं वहां पे भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा छोटा सा भी छोटा डाउट हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को ये सब बताऊंगा कैसे आप लोग पार्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रोल बैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी नोड क्लस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग सिंगल क्लस्टर में काम कर रहे थे, जहाँ पे मैं अभी मिनी क्यूब का यूज कर रहा था, पर अब हम लोग अपना क्लस्टर क्रिएट करेंगे जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ वर्कर नोड होंगे, हमारा एक मास्टर नोड होगा, तो वो सब कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लंबा भी होने वाला है, क्योंकि क्यूबरनेटिस बहुत ही वास्ट चीज है और हम इसको अच्छे से जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं होगा, आराम से जानेंगे, प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।